नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता तेजाजी महाराज। जैसे हम लगातार राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कल हमने बाबा रामदेव के बारे में पढ़ा था। देखिए, ये जो लोक देवता है, राजस्थान के अंदर होने वाले जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, और इन सवालों को लेकर हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज, यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ज्यादा से आपका समय नहीं लेकर हम विशेष रूप से उन्हीं तथ्यों पर बात करने जा रहे हैं जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं लोक देवता तेजाजी महाराज। बोलो तेजाजी महाराज की जय। देखिए, इनका जो जन्म होता है ये 1130 1130, और यदि ऐसा माना जाए तो 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, माघ शुक्ला चतुर्दशी। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इनका जो जन्म है, खरनाल जो गांव है नागौर परगने के अंदर आता है, नागौर जिला है, वहां पर परगने में आता है। इनका जो वंशज है, जैसे उनका जो वंशज है उसी प्रकार से ध्यान रखना है, इनका जो वंशज है वो नागवंशीय जाट परिवार से है। कौन सा है? नागवंशीय जाट परिवार से है। इनके पिता का नाम था ताहरजी, इनके पिता का नाम था ताहरजी, और माता का नाम है राम कुंवरी, माता का नाम है राम कुंवरी। इनके विवाह प्रेमल दे ये पनेर की रामचंद्र जी और रायमल जी की पुत्री है, यानी पनेर के रामचंद्र जी या रायमल जी की पुत्री है। कई बार एग्जाम के अंदर रामचंद्र जी यहाँ पर आ जाता है, कई बार रायमल जी आते हैं, तो ध्यान रखना ये एक ही है, और इनकी पुत्री का नाम है प्रेमल दे, और प्रेमल दे से तेजा जी का विवाह हुआ था। इन तेजा जी को काला या बाला के देवता भी कहा जाता है, काला और बाला के देवता भी कहा जाता है। देखिए, तेजाजी के बारे में बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी गीत और लोकगीत आप सुन चुके हैं, हम यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर ही आपसे बातचीत कर रहे हैं, वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार सीधी सीधी आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, इनको काला और बाला के देवता भी कहते हैं, और गो रक्षक और गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। आपको पता होगा कि चारणी की गायों को चुराते हुए अपने दान दे दिया था, अपने शरीर को न्यौछावर हो गए थे, तो गो रक्षक और गायों के मुक्तिदाता भी माना जाता है। गो रक्षक और गायों के मुक्तिदाता, इनका जो थान यानी थान कहलाता है, इनका जो भी जगह होती है, मंदिर होती है, उनको थान कहते हैं, और इनका जो थान है वो है सुरसुरा अजमेर के अंदर। ये बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। यदि आपको मौका मिलता है तो एक बार जरूर जाइए, सुरसुरा के अंदर बहुत ही तेजा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है, मंदिर इसके अलावा भी बात करते हैं तो ब्यावर के अंदर, अजमेर जिले के अंदर है, और सेंदरिया अजमेर जिले के अंदर, यहाँ पर भी बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मंदिर में भावता अजमेर के अंदर, और मंदिर जन्म स्थान खड़नाल नागौर के अंदर भी इनका मंदिर है। वैसे तो तेजाजी गांव गांव के अंदर पूजे जाते हैं, और गांव गांव में मंदिर है, लेकिन ये मंदिर थोड़े से प्रसिद्ध है। तो आपको यदि अवसर मिलता है तेजाजी महाराज के दर्शन करने का, सौभाग्य प्राप्त होता है और समय मिलता है, तो जरूर इन जगहों पर जाकर भव्य मंदिर का आप दर्शन लीजिए, कीजिए। सुरसुरा अजमेर मंदिर ब्यावर, ब्यावर में अजमेर, और सेंदरी अजमेर के अंदर, और भावंता अजमेर के अंदर, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मंदिर जन्म स्थान खड़नाल नागौर में इनका मंदिर। ये लाछा गुजरी, देखिए यहाँ पर लाछा गुजरी की गाया मेर के मीणाओं से छुड़ाते हुए, लाछा गुजरी गाया मेरा मेर के मीणाओं से छुड़ाने के दौरान, ये विक्रम संवत 1160 ईस्वी में यानी 1103 ईस्वी भाद्र शुक्ला दशमी को सुरसुरा जो किशनगढ़ के पास पड़ता है अजमेर में अपने प्राण त्याग दिए। यहां तब से सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर अपने गायों को छुड़ाते समय अपने प्राणों प्राण त्याग दिए थे। अजमेर जिले के लोक देवता है, अजमेर जिले के लोक देवता कहलाते हैं। वैसे ये सारे के सारे राजस्थान के लोक देवता कहलाते हैं, लेकिन इनको अजमेर के जिले के लोक देवता भी कहा जाता है। इनका जो थान है उस पर सर्प और कुत्ते काटे प्राणी का क्या होता है? इलाज होता है। इनके थान पर देखिए सर्प की मूर्ति या अपन कह सकते हैं चित्र बना हुआ दिखाई देता है इनके थान पर। तो उस थान पर कहा जाता है कि यदि तेजा जी की नाम की ताती बांध ली तो यहाँ पर सांप से कटा हुआ या कुत्ते से कटा हुआ प्राणी का क्या होता है? इलाज होता है। तेजा जी को सर्पों का देवता भी कहते हैं, तेजा जी को सर्पों का देवता भी कहते हैं, क्योंकि नाग देवता ने ही इनकी डसकर जान ली थी, इसी वजह से
तेजा जी को सर्पों का देवता भी कहते हैं। सर्प दस्त का इलाज करने के लिए तेजा जी के भोपों को गोड़ला कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि तेजा जी के सर्प दस्त का इलाज करने वाले तेजा जी के भोपों को क्या कहा जाता है? गोड़ला कहते हैं। तेजा जी का विशाल मेला भाद्र शुक्ला दशमी को नागौर जिले में। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर देखिए। भाद्र शुक्ला दशमी, भाद्र शुक्ला भादवे की दसवीं, शुक्ला की दसवीं को नागौर जिले का जो परबसर तहसील है जो वर्तमान में, ठीक है। अब यहाँ पर अभी परबसर ये कुचामन डीडवाना के अंदर आ चुकी है, ठीक है। पहले नागौर जिले के अंदर थी, अभी कुचामन डीडवाना के अंदर परबसर में पड़ता है। पशुओं की खरीद फरोख्त भी होती है, यहाँ बड़ी प्रचुर मात्रा में बड़ा मेला पड़ता है। गोरी लीलन, इनकी गोरी का नाम था लीणगर, जिसे सिंगारी भी नाम से जाना जाता है। लीलन तेजा जी की राजस्थान में प्राय सभी गांव में थान और देवरे मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का ऐसा कोई भी गांव अछूता नहीं होगा जहां पर तेजा जी का मंदिर या थान या देवरा नहीं होगा। तो राजस्थान के प्रत्येक घर घर में तेजा जी या गांव गांव के अंदर थान और देवरे देखने को मिलते हैं। किसान तेजा जी के गीत को तेजा टर कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए, किसान तेजा जी के गीत को तेजा टर के साथ खेत में बुआई के प्रारंभ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि फसल बहुत अच्छी होती है और उत्पादन चरम सीमा पर होता है। तेजा गाया जाता है, तेजा गायन होता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि जब फसल बोई जाती है तो तेजा जी के गीत चलते हैं और तेजा जो किसान होता है वो फसल बोते समय तेजा जी का गीत गाता है, तो वहां पर फसल बहुत अच्छी होती है, उत्पादन भी बहुत चरम सीमा पर होता है। जाट जाति लोग इनको एक आराध्य देव के रूप में पूजा करते हैं। जाट जाति, आपको पता है राजस्थान के जो जाट हैं, आन शान के लिए माने जाते हैं, वो जाति यहाँ पर इनको आराध्य देव के रूप में पूजा करते हैं। वैसे सभी जातियां यहाँ पर तेजा जी को पूजते हैं, लेकिन यहाँ पर जाट जाति के जो लोग हैं वो इनको एक आराध्य देव के रूप में पूजा करते हैं। देवरों में तेजा जी की प्रतिमा हाथ में तलवार लिए घुड़सवार, ये आपने कहीं देखा है और हमने भी आपको बताया है कि तेजा जी की जो प्रतिमा है वो हाथ में तलवार लिए घुड़सवार के रूप में सूर्य के साथ स्थापित की जाती है। देखिए, आपको तस्वीर बता देते हैं एक बार पुनः। आपको ये देखिए किस प्रकार से तेजा जी की तस्वीर सूर्य लिए हुआ, और यहाँ पर देखिए ये भाला है और यहाँ पर ये घोड़ी पर चढ़े हुए हैं, और ये इनके यहाँ पर भाला दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पर इनका देखिए स्वरूप सूर्य जैसा दर्शन, इस प्रकार से ये तेजा जी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो प्रतिमा हाथ में तलवार घुड़सवार के सूर्य के साथ स्थापित की जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको तेजा जी के बारे में जो जानकारी दी गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर आपको तेजा जी की जानकारी देने का पूरा प्रयास किया गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर बात करेंगे हमारे प्रिय लोक देवताओं के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हम लगातार लेकर आ रहे हैं वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।